किसान हो, जवान हो या फिर मेरे नौजवान बेटे बेटियां हो, सबके लिए एक संपूर्ण सोच के साथ विकास का मंत्र लेकर के सबका साथ सबका विकास, कोई भेदभाव नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं, कोई अपना पराया नहीं, सबका साथ सबका विकास, इसी एक मंत्र को लेकर के हमने काम किया है। और इसलिए ये संभव हो पा रहा है क्योंकि आपने 4.5 वर्ष पहले एक मजबूत सरकार केंद्र में बनाई थी। और मैं मानूंगा पूरा देश उत्तर प्रदेश का आभारी है क्योंकि हिंदुस्तान को 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार देना हिंदुस्तान को पहली बार 30 साल के बाद स्थिर सरकार देना हिंदुस्तान को 30 साल के बाद मजबूत सरकार देना हिंदुस्तान को 30 साल के बाद फैसले लेने वाली सरकार देना, अगर उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसने अदा की है तो ये मेरे उत्तर प्रदेश ने की है, मेरे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने की है। ये उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के निर्णय शक्ति ने भारत का भाग्य बदल दिया है, भारत के भाग्य की दिशा बदल दी है। 30 साल से निराशा के गर्त में डूबे हुए देश को नई आशा जगाने का काम 2014 में ये उत्तर प्रदेश की जनता ने किया है। और मजबूत सरकार का मतलब क्या होता है, मजबूत सरकार का जन जन को लाभ क्या होता है, मजबूत सरकार से दुनिया में गौरव कैसे पैदा होता है, ये उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया है, जिसका लाभ पूरे हिंदुस्तान ने पाया है। मुझे विश्वास है कि विकास के लिए, नए भारत के लिए आप आने वाले दिनों में भी मुझे और मजबूती से आशीर्वाद देंगे।